अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त जय इश्फाक और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जे के जॉब अलर्ट्स में फिर नए एक अपडेट के साथ। अगर आप जे के जॉब अलर्ट्स यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि जे एंड के का कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाओगे। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने एक नोटिफिकेशन लाई है जो जे के बोस ने कुछ दिन पहले निकाली थी। इस नोटिफिकेशन में क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। इस नोटिफिकेशन में जेके बोस ने मेंशन करके रखा है कि जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं एनुअल बाय एनुअल प्रायर 2019-20 जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के जो भी स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के, इनको मास प्रमोशन मिल गई है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं इन सबको ये प्रमोशन मिल गई है या नहीं, वो डाउट हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 10th और 12th के इन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और इनको एग्ज़ाम में बैक लग गई थी, यानी कि कोई सब्जेक्ट इनको रेपियर था। इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए उन्होंने फॉर्म भी भरा था और जिसका एग्ज़ाम भी होने वाला था मार्च अप्रैल 2020 में, लेकिन वो एग्ज़ाम जेके बोस कंडक्ट नहीं कर पाया। वो कंडक्ट क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो आपको पता ही होगा, कोविड-19। और उसके बाद जेके बोस ने ये फैसला लिया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं इनका कैरियर ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये प्रमोशन हर किसी स्टूडेंट के लिए 10th और 12th के जिनको बैक लग गई है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि किस किस को प्रमोशन मिल गई है। सबसे पहले 10th और 12th के वो कैंडिडेट्स जिनका कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं है तो इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी, और वो कैंडिडेट्स 10th और 12th के जिनका एक सब्जेक्ट क्लियर है और बाकी इनको क्लियर नहीं है तो इनको भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। और अब बात रह गई है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ दो सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं तो इनको प्रमोशन मिल गई है, यानी कि आपको मिनिमम दो सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए 10th या 12th में तो ही आपको प्रमोशन मिल जाएगी, और जिनका एक या कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं है तो इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बात रह गई है मार्क्स की, यानी कि आपको किस हिसाब से मार्क्स मिलेगी। जिसको प्रमोशन मिल गई है इसको कैसे मार्क्स मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात सुनना, आज से यानी कि अभी से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँगा जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। और आज का क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक के, आपके जो मार्क्स है जिनको प्रमोशन मिल गई है इनके मार्क्स कैसे होंगे वो आपको अपनी मेहनत के हिसाब से होंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट्स आपने पास किए हैं, अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स पास किए तो इनके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। वो कैसे दिए जाएंगे? वो आपको मेन के हिसाब से दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स पास है तो मान लो पहले सब्जेक्ट में आपके 60 मार्क्स है, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है इसमें आपके 40 मार्क्स है, और जो तीसरा सब्जेक्ट है मान लो इसमें आपके 50 मार्क्स है, और ये टोटल 150 मार्क्स हो गए हैं। और इसको क्या करना है? डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स थे इसलिए डिवाइड बाई 3 करना है। जो इसका आंसर निकलेगा इसी के हिसाब से आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसको इतने मार्क्स मिल जाएंगे, 50। जो सब्जेक्ट रह गए इसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। इसी के हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट में मार्क्स दिए जाएंगे जो आपको क्लियर नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट पास किया है या फिर कोई सब्जेक्ट पास नहीं किया है तो इनको क्या करना है? इनको कुछ नहीं करना, इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने डेट शीट के हिसाब से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो प्रमोशन है ये सिर्फ इसी को मिलेगी जिसने फॉर्म सबमिट किया है एग्ज़ाम फॉर्म। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं किया तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हमारी मुलाकात किसी और नई वीडियो में होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।